आज जो हमारे पास रिपेयरिंग के लिए आया है वो 4 किलोवाट का ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर है। इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये हाई वोल्टेज निकल रहा है। इसे हमने लाइन पर लगा के 90 वोल्टेज दिया है, ये 90 के 200 तो कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे इनपुट बढ़ रही है वैसे वैसे ये आउटपुट बढ़ाता जा रहा है, मतलब ये स्टेप नहीं ले रहा। इसके हमने रिले खोल के चेक किए तो रिले इसकी सही हैं, काम कर सकती हैं, लेकिन इसमें सर्किट जो है वो स्टेप नहीं ले रहे। सर्किट इसके हम चेंज करेंगे। इसमें जो हम डालेंगे माइक्रो सर्किट डालेंगे, इस सर्किट को हम हटा देंगे और इसमें डालेंगे हम माइक्रो सर्किट। यह है माइक्रो सर्किट, इसे हम इस स्टेबलाइजर में डाल के इसको ठीक करेंगे। माइक्रो सर्किट को चलाने के लिए जो टीकर का यूज़ होता है वो ट्रांसफार्मर वाले टीकर का यूज़ होता है। तो इसमें जो 018 लगा होता है और सर्किट लगा होता है ये सब हटा देंगे, और जो ट्रांसफार्मर वाला टीकर है ये वाला, ये इससे हम माइक्रो सर्किट चलाएंगे। तो बाकी चीज़ें मैं सब हटा देता हूँ। माइक्रो सर्किट लगाने से पहले हम इसके ट्रांसफार्मर के टीकर के वोल्ट चेक करेंगे। तो हमने इसको 200 वोल्ट पर सेट कर दिया है। अब इसके वोल्ट हम चेक करेंगे कि 90 वोल्टेज पर ये कितने वोल्ट टीकर के निकल रहा है। तो उसको 90 वोल्ट पर कर देते हैं। इसमें टाई वन नहीं है इसलिए ये डायरेक्ट 90 पे 200 वोल्ट दिखा रहा है, डायरेक्ट आउटपुट दे रहा है। अगर इसमें टाइमर होता है, हाई कट होता है, तो ये वोल्टेज नहीं निकालता आउटपुट के। तो 90 पे 200 वोल्टेज इसके हो चुके हैं। थोड़ा मीटर हमारा आगे चल रहा है इनपुट का, इसलिए ये तो 90 पे 200 वोल्टेज ये दिखाएगा। तो इसके वोल्ट चेक कर लेते हैं, देख सकते हैं मीटर में कितने वोल्ट ये दिखाएगा। मतलब 14 वोल्ट के आसपास ही वोल्टेज के माइक्रो सर्किट इसमें काम कर जाएगा। एक बार ट्रांसफार्मर की टेपिंग देख लेते हैं कि कौन सी टेपिंग कौन से रिले पर लगी है। तो हमारी पहली जो रिले है वो आउटपुट के रिले है। तो आउटपुट के रिले पर 2 टेपिंग लगती है, एक तो पहली और दूसरी। पहली जो लगती है जंपर के साथ लगती है, देख सकते हैं पहली लगी है जंपर के साथ, और दूसरी ये रही, और तीसरी सेंटर के रिले पर, और चौथी जो होती है वो इनपुट के रिले पर लगती है। माइक्रो सर्किट की मैंने कनेक्शन कर दिए हैं, देख सकते हैं। और मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि कैसे इसके कनेक्शन किए जाते हैं। तो ये होती है आउटपुट की रिले, उसके बाद आती है सेंटर की, सबसे लास्ट में जो होती है वो इनपुट की रिले है। तो अब देख लेते हैं कैसे कैसे कनेक्शन होते हैं। इसके दो दो पॉइंट होते हैं तीनों रिले के। तो एक एक पॉइंट होता है कॉमन हो जाता है, उससे कॉमन की वायर निकल के आएगी और बाकी तीनों पे से एक एक वायर निकल के आएगी। और ये होता है 22 वोल्ट का टीकर, उसके बाद लगती है 22 वोल्ट के टीकर के बाद लगता है कॉमन का तार, कॉमन फिर सेंटर फिर इनपुट फिर आउटपुट। कनेक्शन हो चुके हैं, अब LED के मैंने सबसे कनेक्शन कर दिए हैं, टीकर के वोल्ट भी सर्किट को मैंने दे दिए हैं। मीटर ख़राब था मीटर लगा दिया, LED ख़राब थी LED इसकी हमने चेंज कर दी है। अब इसकी आती है टेस्टिंग की बारी, अब इसको कहते हैं टेस्ट। हम इसको 90 वोल्टेज देंगे, फिर इसको चेक करेंगे 90 वोल्टेज पे 200 वोल्टेज देता है ये। उसके बाद में जैसे 90 के बाद 200 वोल्टेज देगा, उसके बाद में हमें डीमर के वोल्टेज बढ़ाने हैं, देख सकते हैं ये हमने 110 वोल्ट है अभी, 90 इसको कर देता हूँ पहले मैं। नब्बे के ये 200 इनपुट 90 और आउटपुट 200, फिर सिंपली हमें वोल्टेज बढ़ाकर 250 करने हैं। 250 करने के बाद इसका सर्किट का प्रीसेट को घुमाना है। वैसे हम प्रीसेट घुमाएंगे ये 250 वोल्टेज से सुई 200 वोल्टेज पर आएगी, मतलब ये सेट हो चुका है। अब वोल्टेज बढ़ा के हम चेक कर लेंगे कि 250 से ऊपर तो नहीं जा रहा, ये वोल्टेज मैं बढ़ा रहा हूँ और ये स्टेप ऑटोमेटिकली लग रहे हैं। अब मैं आपको इसकी इनपुट और आउटपुट दिखाता हूँ। ये इनपुट देख सकते हैं 300 वोल्टेज हो चुकी है, आउटपुट है 250। ये स्टेबलाइजर ठीक हो चुका है कि 90 वोल्टेज से लेकर 300 वोल्टेज तक काम करता है, और जो इसकी आउटपुट होती है ये आउटपुट 200 वोल्टेज से लेकर 250 वोल्टेज से निकालता है। और जो इसमें सेट करने का प्रीसेट होता है इसको, वो होता है ये वाला प्रीसेट, इस प्रीसेट से सेट करते हैं। अभी हमारा स्टेबलाइजर ठीक हो चुका है।